सौदान अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम सभी दोनों हाथ ऊंचा करते हुए तालियां बजाते हुए बम मम अनुमोदना नमो आरती भगवते मणिमय मंगल कलशेन भगवदादिगुरु सुगुण जलेन स्नापयामः ओम ह्रीम श्री समुद्रवारी पूरितेन मणिमय मंगल कलशेन भगवदादिगुरु स्नापयामः ओम चलिए ओम ह्रीम मणिमय मंगल कलशेन भगवदादिगुरु जलेन स्नापयामः। चलिए अब जो है प्रथम कलश का जिनका सौभाग्य है अभी रुक जाए कुबेर इंद्र अभी रुक जाए पहले प्रथम कलश से जिनका सौभाग्य है आइएगा चलो भगवान का अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीम मणिमय मंगल कलशेन भगवतः प्रतिदिन सुगंधं जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीम मणिमय मंगल कलशेन भगवतः प्रतिदिन सुगंधं जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीम मणिमय मंगल भगवतः प्रतिदिन स्नापयामः। चलिए अब इधर से इंद्रों का क्रम चलेगा यहाँ से जिन्होंने कलश लिया है हमारे मोहित भैया पहुंच जाएं कलश करें उधर से कुबेरेंद्र आकर के भगवान का अभिषेक करें कुबेरेंद्र पहुंच जाएं एक एक करके सब मिलकर कलश मणिमय मंगल कलशेन भगवत सुगंधं जलेन स्नापयामः। चलो सब मिलकर कलश धुराओ अभिषेक प्रभु का कराओ सब मिलकर कलश धुराओ अभिषेक प्रभु का कराओ चंदन नगर के आदिनाथ जी को भक्ति से नहलाओ नगर के आदिनाथ जी को भक्ति से नहलाओ सब मिलकर कलश धुराओ अभिषेक प्रभु का कराओ सब मिलकर कलश धुराओ अभिषेक प्रभु का कराओ चतला के श्री आदिनाथ जी को भक्ति से नहलाओ चतला के श्री आदिनाथ जी को भक्ति से नहलाओ। प्यारे प्यारे बाबा की यहाँ पांडु शिला पर नवन चल रहा है दोनों हाथ ऊपर खोल ले वन टू थ्री फोर अनोखी लागे जाकी प्यारे प्यारे बाबा की प्रभु को प्रभु को प्रभु को नैनो बीच बसाओ भर भर के कलश धुराओ प्रभु को नैनो बीच बसाओ भर भर के कलश धुराओ जो डाले जल की धारा चमकेगा भाग सितारा जो डाले जल की धारा चमकेगा भाग सितारा प्रभु को प्रभु को प्रभु को मन मंदिर में बसाओ भर भर के कलश धुराओ प्रभु को मन मंदिर में बसाओ भर भर के कलश धुराओ अंशुल जैन जबलपुर कौन सा 1100 वाला कलश ले दो कलश देते जाओ हाँ पापा करेंगे चलो दे दो उनको कलश 1100 वाला ओम ब्रह्म मणिमय मंगल कलशेन भगवत अरहत प्रतिगतम सुगंध जलेन स्नापयामि ओम ब्रह्म मणिमय मंगल कलशेन भगवत अरहत प्रतिगतम सुगंध जलेन स्नापयामि ओम ब्रह्म मणिमय मंगल कलशेन भगवत अरहत प्रतिगतम सुगंध जलेन स्नापयामि। चलिए देखिए अभिषेक करने के बाद वस्त्र तुरंत बदलते जाएं ताकि सभी लोगों को अभिषेक करने का अवसर मिले चाहे प्रमुख इंद्र हो चाहे सामान्य इंद्र हो सभी लोग कलश ले लें और भगवान का अभिषेक करते जाएं नाम लिखाते जाएं जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है वे सभी लोग और कोई अभिषेक करे ना करे विराग युवा मंच और जितने यहाँ के पुरुष वर्ग हैं जितने भी लोग हैं चंदला में सभी लोग अभिषेक जरूर करेंगे और बाहर से जो लोग पधारे हैं वो लोग भी भगवान का अभिषेक करें कपड़े बदल करके
और जिनके पास नगद है नगद जमा कर दे, नगद नहीं है आप तो बढ़िया नाम लिखा दो, बाद में जमा करते रहना। लेकिन अभी भगवान के अभिषेक करने से कोई भी चूकेगा नहीं। कलश झुराओ, कलश झुराओ, एक बात और ध्यान रखें, एक मिनट, अभिषेक करके अपना कलश अपने साथ ले जाएं, बाद में मेरे से नहीं कहना हमारा कलश यहाँ रखा था कहाँ गया। हाँ, अभिषेक का कलश दे दो, शुभ करवा लो, दूसरों से करवा लो, आपको नहीं करना, जिन लोगों को हाँ कौन है घर में उनको करवा दो, नहीं तो किसी व्यक्ति से करवा लो। चलिए, कलश झुराओ, कलश झुराओ, मेरे प्रभु जी पे कलश झुराओ, कलश झुराओ, कलश झुराओ, मेरे प्रभु जी पे कलश झुराओ। ईशान सनति जी चवर ढुराए, छत्री लगाए जी मन मुस्काए, स्वर्गाधिपति देखो आनंद मनाए, सुमेरु पर्वत पे नमन कराए, सुमेरु पर्वत पे नमन कराए, ऐसे ढुराओ कलश ढुराओ, मेरे प्रभु जी का नमन करा, प्रभु जी का नमन कराओ। बोलो आदिनाथ भगवान की। रहा महा अभिषेक रहे सब दिग आज नगरी में, सब खड़े प्रभु चरणों में, हो रहा महा अभिषेक रहे सब दिग आज नगरी में, सब खड़े प्रभु चरणों में, भक्ति के रहे प्रभु जी के संग, भक्ति के रहे प्रभु के संग, दिखे गले कड़ कड़ में, हो रहा महा अभिषेक रहे सब दिग आज नगरी में, सब खड़े प्रभु चरणों में। गूंज रहे जयकारे देखो सुमेरु पर्वत पर अब नमन करेंगे सारे, हाँ नमन करेंगे सारे, हाँ नमन करेंगे सारे, प्रभु जी के संग भक्ति के रंग, प्रभु जी के संग भक्ति के रंग, दिख रहे हमें कण कण में, हो रहा महा अभिषेक रहे सब दिग आज नगरी में, सब खड़े प्रभु चरणों में, सब खड़े प्रभु चरणों में। सुनाओ सुरताल से सुनाओ, सरगम से सुनाओ सबको, महिमा आदि नाम की, महिमा आदि नाम की, महिमा आदि नाम की, महिमा आदि नाम की, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, सरगम से सुनाओ सबको, महिमा आदि नाम की, महिमा आदि नाम की, महिमा आदि नाम की, महिमा आदि नाम की। यही है आदि बाबा कृपा बरसाए रखना,
अभिषेक करने के बाद बस बदल जाए और लोगों को भी बदलना है तो देखो विराग युवा मंच जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं सब कोई बाकी ना रहे जो आज भगवान का अभिषेक ना करे क्योंकि चंदला नगर में हजारों वर्षों के बाद पहली बार यह प्रथम अवसर आया है जब भगवान का पंचकर्मा प्रतिष्ठा महामहोत्सव यहाँ पर हो रहा है और पहली बार यहाँ पर जन्म अभिषेक महामहोत्सव हम यहाँ कर रहे हैं। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है इसलिए आपकी जो भी श्रद्धा हो 1100 2100 5100 लेकिन भगवान का अभिषेक जरूर करें और इतनी भी ना तो आज आओ श्रद्धा बना के आओ कि मुझे भगवान का अभिषेक करना है। आचार्य जिन सिंह स्वामी ऐसा लिखते हैं आदि पुराण में जब सौधर में इंद्र आपको मालूम है पांडुशला कहाँ होती है ये मालूम है आपको कहाँ जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु नाम का पर्वत है उस पर्वत के चार खंड हैं और चारों खंड पूरा जो महिलाओं को कलश चाहिए हो तो वो ले सकते हैं अपने किसी भी प्रतिनिधि से अभिषेक करा सकते हैं और अपने घर कलश ले जा सकते हैं। देखिए सुनिए वहां मेरु सुमेरु पर्वत बीचों बीच है और कितना योजन एक लाख योजन का वह सुमेरु पर्वत है उसमें से 1000 योजन धरती के नीचे है और 99,000 योजन इस धरती के ऊपर है। ये सूर्य चंद्र नक्षत्र इन सबसे ऊपर जो सौधर्म इंद्र का जो विमान होता है उससे थोड़ा सा नीचे तक वो सुमेरु पर्वत है और उस पर पांडुक शिला है और उस पांडुक शिला के ऊपर सौधर्म इंद्र भगवान का अभिषेक करता है और वहां पर असंख्य देवी देवता नर नारी विद्याधर चारणराज आदि अभिषेक को देखते हैं। एक आचार्य के अनुसार क्रम क्रम से वह भगवान का अभिषेक करता है और एक आचार्य के अनुसार अपने 1000 हाथ 8 हाथ बनाता है और एक दो कलशों से नहीं 1008 कलशों से भगवान का एक साथ अभिषेक करता है। कौन से जल से? क्षीर सागर के जल से। कौन सा जल? क्षीर सागर का जल। कैसा होता है वो जल? दुग्ध के समान होता है। ऐसा वह अभिषेक आपको देखने का सौभाग्य आज यहां मिल रहा है और जो व्यक्ति यहाँ पर हैं सभी को भगवान का अभिषेक करना है। कपड़े बदल बदल के आए और भगवान का अभिषेक जरूर करें। आइएगा भाई ऋषि भैया जिनके समझो किसी ने नाम लिखवा है वे पुरुष नहीं तो किसी भी प्रतिनिधि से आप अभिषेक करवा सकते हो और कलश ले जा सकते हो। कलश अवश्य लेना है किसी भी महिलाओं से विशेष आप कलश ले लो और किसी प्रतिनिधि से अभिषेक करा लो। इंद्र चलो मिलके सभी एक साथ लाओ शीर सिंधु जय लाओ शीर सिंधु जय इंद्र चलो मिलके सभी एक साथ लाओ शीर सिंधु जय लाओ शीर सिंधु जय इंद्र चलो मिलके सभी एक साथ। बज रही है घंटिया और चवर ढुल रहे रही है घंटिया और चवर ढुल रहे देख देख इंद्रों के पैर भी तिरक रहे देख देख इंद्रों के पैर भी तिरक रहे।